गुड मॉर्निंग दर्शकों, तो आप सभी का स्वागत है एक नए फ्रेश व्लॉग में। तो ये होने वाला है बर्थडे वीक वाला व्लॉग। तो इसमें आज वैसे है रक्षाबंधन, तो आज है थर्सडे, तो इस रक्षाबंधन के मौके पे मैं उन्हें सबको मिलूंगा, फैमिली को मिलूंगा, और इसके बाद वाले व्लॉग्स भी बहुत धमाकेदार आने वाले। मैं आपको बोलूंगा, धीरे धीरे सस्पेंस खोलूंगा और मजे आएंगे। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु जी का नाम। अभी यहाँ से मैं जाने वाला हूँ पोईसर, तो मैं भी ट्रेन से जाने वाला हूँ। 11 बजे की लोकल है, यहाँ पे मुझे बस के 10:30 के आगे बज गए, फटाफट मुझे निकलना पड़ेगा। सो लेट्स गो, निकलते। ऑलराइट दर्शकों, तो पहुंच गए हम लोग पोईसर में, और आज होने वाली सवारी इनोवा की, जो नई नवेली है, और मेरे साथ है मेरी छोटी बहन हेतल। तो अभी हम लोग दोनों मिले हैं, ये गाड़ी भी उसकी है, उसके डैड की है, और हम लोग इस पे आज जाने वाले हैं लंच करने के लिए, क्रेजी जगह पे। तो आपको समझ जाएगा बाद में, बड़े बड़े प्लान्स बना के अभी ये फाइनली एक छोटा सा प्लान बना, तो अभी उनको उठाते हैं। जैसे एक्चुअली मैं बड़ा भैया हूँ, समझ रहे हो, भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। तो अभी हम लोग बोईसर में है, एंड ये देख सकते हो बोईसर MIDC एरिया है पूरा। वैसे सब लोग बड़े बड़े हो गए अभी एकदम से, देखो ऐसा भी, मैं खुद, मेरी हाइट छोटी लग रही है सबकी, माजा अंदर की शायद मोटी खासी। एंड ये तानिया खास पुणे से आई है, बेचारा हम लोग का इतना प्लान बन रहे थे, सब कैंसिल हो रहे थे। वो हो, सो फाइनली कजिन्स प्लान बन गया है, 5 पीपल आर गोइंग फॉर लंच डेट। सो मजा येणार आहे, आणि आम्ही लोग डहाणूला चाललोय, क्रेजी क्रॅप। और हमारी मौसी वहाँ से देख रही है हमको स्टिल, और वो हमेशा का स्पॉट है, जब भी मैं आता था वहाँ से हम लोग को बाय करती थी। तो अभी चलो निकलते, ज्यादा देर नहीं करते। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. दोस्तों अभी हम आए हैं गणेश वड़ा पाव, जो हमारा बहुत ज्यादा फेवरेट है। मतलब जब भी मैं यहाँ पे स्कूल में था तब से ये वड़ा पाव खा रहा हूँ, और यहाँ पे जब भी आता हूँ तो एक वड़ा पाव तो खाता ही हूँ, क्योंकि वो जो इमली की चटनी और ये वड़ा पाव, आप कभी भी वानगांव साइड आओगे तो ये वानगांव नाका का वड़ा पाव बहुत फेमस है। स्वाद तो भरा भी की मोटा बनौला था ना। हम लोग पहुंच गए हैं डहाणू ब्रिज, अभी यहाँ से डहाणू शुरू होगा। ओके दर्शकों, तो हम लोग पहुंच गए क्रेजी क्रैब। तो ये जो सामने बीच है, और अभी अंदर कार लगाते हैं, और यहाँ का फूड एक्चुअली बहुत अच्छा है। हम लोग ने लास्ट टाइम ट्राई किया था चिकन, वो चीज वाला किया था, एंड प्रॉन्स वगैरह के लोग था क्रैब क्रैब क्रैब। तो क्रेजी क्रैब ये एक्चुअली गोवा में भी इसकी एक फ्रेंचाइजी है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है और सामने ही बीच है, और ये जगह बहुत अनएक्सप्लोर है। अगर आप डहाणू साइड आओगे तो डहाणू साइड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, बीचेस है, एंड बहुत अच्छे अच्छे सी फूड रेस्टोरेंट है। ये देखो सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है, बोरडी बीच है वो, और यहाँ पे उन लोग का स्टे है। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे रूम्स भी है, मोस्टली यहाँ पे वेडिंग्स बहुत होती है, आगे जाके वेडिंग लॉन्स वगैरह बहुत है, तो यहाँ पे लोग बहुत स्टे करते हैं। मैं भी लास्ट टाइम यहाँ पे रुका था, सो स्टे के लिए भी अच्छा है काफ़ी। सो ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहे हैं तंदूर लॉलीपॉप, और ये भी बहुत अच्छा है, इसके अंदर चिकन चीज का स्टफ है। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would have left me here. Now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection? दिव्यागढ़ या देवगढ़ वो साइड कोकण वाली फीलिंग है, और हम लोग भी कोकणी है। इस पहुंच गए हम लोग देवका बीच, और इतनी ज्यादा हवा है, इतनी ज्यादा, वाओ, दिस इज मिनी मरीन ड्राइव इन दमन। और ये setting fire to my brain, wondering how I'm to blame. You're the one who doesn't dream. So why are you always sleeping? I remember when you said you're afraid of what's ahead. What I've been to ride or die. So निकल गए हम लोग देवका बीच से, और बहुत अच्छा दिन गुजरा है। आई होप अभी यहाँ पे कहीं पे जाके हम लोग कुछ खाएंगे थोड़ा सा, एंड फर्स्ट स्टार्ट व्लॉग इज अमेजिंग, जो मैंने मेरे कजिन के साथ इतने टाइम के बाद, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग रोड ट्रिप पे निकले। और यहाँ पे लफड़ा हो गया दोस्तों, हमारा पीछे वाला टायर पंक्चर हो गया। तो जाते जाते हम लोग ने सोचा कि कुछ अच्छा सा केक खाएंगे, और हम लोग को केक दे दिया इधर ही। तो दर्शकों, टायर हम लोग को हो गया था पंचर पीछे वाला, और एक्चुअली ऐसा हो गया था कि अंदर से पूरा वो तबाह हो गया था। तो टायर एक्चुअली हम लोग ने सेकेंड हैंड डाला यहाँ से, बट वो ओरिजिनल वाला भी अंदर रखा है, अभी अगर वो रिप्लेस हो सकता है कंपनी से तो देखते हैं।
और एक घंटा हम लोग का चला गया। हम लोग जाने वाले थे पारसी कैफे जो यहाँ पे बहुत फेमस है। अभी यहाँ पे हम लोग को 10 बज जाएंगे एंड लेट हो जाएगा, तो देखते हैं अभी कैसे होते हैं। बट ये एक्सपीरियंस भी ज़रूरी था, आई थिंक इन लोग के लिए ज़रूरी था और मेरे लिए भी ज़रूरी था। तो अगर भावेश मौसा देख रहे होंगे तो आई एम रियली सॉरी, वो हो गया। अभी रास्ते इतने गंदे कि कुछ कर नहीं सकते थे, वो पंचर हो गया। सो होपफुली हो गया है काम। चलो अभी बढ़ते आगे। हेतल ने हमें कहा कि पारसी डेरी में काफ़ी अच्छा मिलता है, क्या मिलता है, डेरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स। तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ ट्राई करें, और एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा है, तो लेट्स सी अभी देखते हैं अंदर कैसा है। और वेज ही है मोस्टली खाने के लिए, बट हम लोग डेरी प्रोडक्ट्स ट्राई करें। महाराजा लस्सी, ये एक लस्सी है जिसको 1/2 किया और पूरा पीतल का तांबे का ये है। और देखो क्वान्टिटी, देखो क्वान्टिटी। और ये है ग्रिल सैंडविच। तो बारिश भी आ गई और मौसम भी हो गया सही। अभी यहाँ से बोईसर मुझे पहुँचने के लिए बता रहे हैं एक घंटा। लस्सी ट्राई करके देखते हैं। वाओ, कुछ डिफरेंट है लस्सी, बहुत क्रीमी है और बहुत सारा मटेरियल है अंदर, मावा वगैरह बहुत कुछ है। ये वक्त एक लस्सी है 1/2 के लिए, तुम सैंडविच भी ट्राई कर। ओके थैंक यू गाइस। सो वी हैड सो मच फन, पूरा दिन इतना मजा आया कजिन्स का। दोपहर की शाम, शाम की रात कब होगी पता नहीं चला। सो गाइस ब्लॉग को यही पे एंड कर दिया है। होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी, और अगर पसंद आ रही है तो आपको पता है क्या करना भाई, बोलो इनको करने के लिए, प्लीज करो और ऐसे सपोर्ट करते रहो अपने कजिन के साथ, फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करो। मिलते हैं नए ब्लॉग में ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। सी यू सून गाइस, बाय।